विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। आने वाले रमजानुल मुबारक और पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र एहतियातन तौर पर आज बतारीख 1 मार्च बरोज़े जुमा की शाम करीमनगर में रैपिड एक्शन फोर्स मिलिट्री फोर्स ने इलाकों में गश्त करते हुए हालात का जायजा लिया। इसी पेश नज़र इंदिरा चौक से ये फ्लैग मार्च का अहतमाम किया गया, जहां पर हैदराबाद से खसूसी तौर पर तशरीफ फरमा रैपिड एक्शन फोर्स मिलिट्री फोर्स ने चंद मोहल्लों में घूम फिर कर इलाकों का जायजा लिया और वहां की सरगर्मियों पर भी बारीकबीनी से नजर रखी। गड्डम गड्डा के यूथ, जिसमें गफ्फार लॉयन और मेरा सोशल एक्टिविस्ट ने अपनी यूथ के साथ उन सभी का वालेहाना तरीके से गुलपोशी व शालपोशी करते हुए फूलों की बारिश से उनका सभी का सम्मानित करते हुए उनका इस्तकबाल किया और स्नैक्स व मशरूबात और ठंडे पानी का भी इन्हें इंतजाम किया गया, जिसमें हैदराबाद से तशरीफ फरमा रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडर बिस्वजान रविंद्र रोशन इंस्पेक्टर और महिला इंस्पेक्टर ललिता गोपी नारायण ने शिरकत की और मुकामी पुलिस ऑफिसरान में DCP ACP के अलावा दिगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर और जानते हैं मजीद तफसीलात। पेश है करीमनगर से नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद की अफरोज खान के साथ एशियन टीवी न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। हमारे बीच उपस्थित जो DCP करीमनगर, ACP टाउन करीमनगर एंड ये टोटल एंटायर पुलिस टीम, आज एक्चुअली हम लोग 99 RF हैदराबाद से यहाँ आए हैं और ये एक फैमिलाइजेशन का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग एरिया की सेंसिटिविटी, एरिया में ब्रदरहुड और ये सब भाईचारा, शांति ये सब बजाय रखने के लिए हम लोग आज ये आपके टाउन में आए हुए हैं और हमें बड़ा खुशी है कि हमारे साथ हमारी एंटायर जो ब्रदर पुलिस ऑफिसर ऑफिशियल्स हैं, ये काफ़ी कोऑपरेटिव है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों के बीच में ये जो आप जिस तरह से स्वागत और जिस तरह से आतिथ्य स्वीकार हमारा किए हैं, इससे हमें डेफिनेटली पता चलता है कि आप में से भाईचारा कितना है। तो हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा शांति बनाए रहे और इस तरह से आप लोग की जो डिस्ट्रिक्ट है ये ढेर जो है प्रगति करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल गफ्फार टू टाउन एरिया से करीमनगर से बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पर इलेक्शन का मौका था, इलेक्शन पीसफुली, MP इलेक्शन पीसफुली होना बोल के आज गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री वालों का फ्लैग मार्च हो रहा है पूरे करीमनगर में, हर गली में, और उसके साथ साथ रमज़ान का भी महीना है, रमज़ान में भी कोई न्यूसेंस नहीं होना बोल के वो सिक्योरिटी अच्छी तगड़ी रखने के लिए ये प्रोग्राम मुंतखब किया गया है। और इसके अंदर मेरे करीमनगर के पूरे पुलिस ऑफिसर्स है और मेरे महल्ले के और मेरे करीमनगर के पूरे नौजवान और बुज़ुर्ग आदमियाँ सब पार्टिसिपेट करें और मेरे जो टू टाउन के एरिया की जो यूथ है जो सपोर्ट करी आज ये प्रोग्राम को सक्सेस करे, मैं उन लोगों के से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह करीमनगर के डेवलपमेंट के से कुछ भी काम रहा, मैं और मेरी पूरी करीमनगर की यूथ हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो MP इलेक्शन संदर्भंगा मन गवर्नमेंट तरफ ना BSF वाली फ्लैग मार्च अंदे अला टू टाउन एरियाला దానికి సక్సెస్ఫుల్ చేయడం కోసం నా కరీంనగర్ యూత్ అండ్ పెద్దలు అందరు సహకరించిండ్రు. ఈరోజు మేము అందరూ మా సిపి సార్కి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ ఉన్నామండి. మా సిపి గారు ఇన్ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి కరీంనగర్ వాతావరణం చాలా పీస్ఫుల్ ఉందండి. అందరూ చాలా సంతోషంగా బతుకుతుండ్రు, ఎవరికి కూడా అన్యాయం అయితే లేదండి. మేమందరం మా సిపి గారి గురించి దేవునికి మొక్కుకుంటున్నాము. ఆయనకి మంచి పదవులు దొరకాలి, ప్రమోషన్స్ రావాలి, ఇటువంటి ఇంకా సేవలు మొత్తం ఇండియాలో చేయాలి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిపి సార్, అరేంజ్మెంట్ చేయారందుకు మాకు సేవ చేసే మౌకా దొరికింది సార్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్, గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్.